नाश्ते में शामिल कीजिए बस एक ये चीज, ब्लड प्रेशर और वजन कम करने में बेहद ही कारगर है। साथ ही साथ इसके अनेकों हमारे सेहत के लिए फायदे हैं। दोस्तों वो आहार है स्यूल, यानी कि रामदाना या राजकीरा के नाम से आप इसे जानते होंगे। सर्दियों का मौसम आ गया है और आपने रामदाने के लड्डू या किसी अन्य तरीके से इसका सेवन जरूर किया होगा और उसका सेवन करना पसंद भी करते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि वो कितना फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए और उसके क्या क्या फायदे हैं हमारी सेहत के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं फायदों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ अगर आप हिमाचली हर्बल में नए हो दोस्तों, तो हिमाचली हर्बल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। राजकीरा जो है वो प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और विटामिन सी से भरपूर है। इसमें गेहूं की अपेक्षा 3 गुना अधिक फाइबर है और 5 गुना अधिक आयरन है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें दूध व अन्य अनाज के मुकाबले 2 गुना कैल्शियम होता है। राजकीरा यानी कि रामदाना हड्डियों को मजबूत करता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से आपकी हड्डियों को बचाता है। इसमें मौजूद भरपूर कैल्शियम हड्डियों के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। राजकीरे को अनाज नहीं माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग हम उपवास में भी करते हैं। ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है और शर्करा के स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। और रामदाना में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो तनाव को कम करते हैं और फ्री रेडिकल से हमें बचाते हैं। इसमें मौजूद लाइसिन और सिस्टीन बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। स्यूल भरपूर प्रोटीन के कारण जब उपवास में आप इसके व्यंजनों का सेवन करते हैं ना दोस्तों, तो पेट देर तक भरा रहता है और आपको भूख का एहसास नहीं होता है। ये अनाज की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसके फायदे अनेकों हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, उसके लिए भी सबसे बेहतर आहार है राजकीरा। तो दोस्तों राजकीरा यानी रामदाने का सेवन आज से ही आप अपने नाश्ते में शुरू कर दीजिए और पाइए ढेरों सारे फायदे अपनी सेहत के लिए। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपके यहाँ रामदाने यानी राजकीरे को क्या कह के बुलाते हैं। हमारे हिमाचल में तो इसे स्यूल के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जुड़े रहिए हिमाचली हर्बल के साथ। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं कल आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।